हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज मैं फिजिक्स में आप लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये फिजिक्स का मैंने कि इस चैप्टर का अंतिम पाठ है, तो इसको बताने के बाद तब आपका जो है नया चैप्टर चालू होगा जिसको बोलते हैं करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म वो लास्ट चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यह है क्या, इस चीज़ को हम समझाते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में जो काम किया था तो सर आइजक न्यूटन, वो अपने रूम में अपना कोई प्रयोग कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो रूम के जो कहीं पर जो है दीवार में सुराख था, उस सुराख से सूरज की रोशनी आ रही थी, तो उस सूरज की रोशनी के मतलब किरण के सामने जो है एक प्रिज्म रख दिया, और प्रिज्म के पीछे साइड में एक पर्दा रख दिया, सफेद रंग का एक पर्दा डाल दिया। तो देखा कि पर्दे पर सात रंगों के पट्टी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सात रंगों की पट्टी बनी हुई है। तो ये अनुमान लगाया कि सूरज का जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, वो शायद सात रंगों का मेल है, और ये जब किसी प्रिज्म पर होता है तो वो अपवर्तन के बाद प्रिज्म से वो अपने अवयवी घटकों में बदल जाती, विभक्त हो जाती है, सातों रंगों में बट जाती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये सातों रंग की पट्टी, रंगीन पट्टी एक पर्दे पर दिखाई देता है, देखा जा सकता है, और इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। तो प्रकृति में भी इसकी इस तरह की घटना हम लोगों को देखने की मिलती है, खास करके रेनी सीजन में जब हवा में जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है सुबह के टाइम में या संध्या के टाइम में, तो हम देखते हैं कि पूरब तरफ, संध्या के टाइम में क्या होता है, सूरज के विपरीत दिशा में पूरब तरफ आकाश में एक रंगीन पट्टी बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करता है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो अपने सात रंगों में विभक्त हो जाती है, आकाश उसके लिए पर्दे का काम करता है, और वो सातों रंग दिखाई पड़ता है। इसी रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष या कोशिकजा या रेनबो कहते हैं। तो इसी घटना को अब यहाँ समझिए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। तो एक प्रिज्म है और इससे होकर हम एक श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट को गुजारते हैं। तो व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म पड़ता है, अपवर्तन के बाद ये अपनी अवयवी घटकों में बदल जाती है। ये अवयवी घटक क्या है? सात रंग है ना? तो सबसे ऊपर वायलेट होता है, उससे नीचे इंडिगो होता है, उससे नीचे ब्लू होता है, उससे नीचे क्या होता है, ग्रीन होता है, उससे नीचे ऑरेंज होता है, उससे नीचे रेड होता है। तो सात रंगों में बट जाती है। ये सातों रंगों का नाम लिखते हैं, बी से क्या हो गया, वायलेट पूरा नाम हुआ, यहां पर लिखते हैं वायलेट, इसको बोलते हैं बैगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला हुआ, ऑरेंज, नारंगी, रेड,
लाल। ये सात रंग, इसको याद करने का आसान तरीका है बिब जियोर, बिब जियोर, है ना, या फिर बै जा नी पी नाला। सातों रंगों को याद करने का आसान तरीका है बै जा नी पी नाला, यानी बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। तो बिब जियोर, इसका कर्म जो होता है इस तरह से होता है बिबजोर, बी आई बी जी वाई ओ आर, है ना। तो सबसे ज्यादा मुड़ा है वायलेट, है ना, और सबसे कम मुड़ा है लाल। इसका मतलब है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, है ना। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो उसका विचलन सबसे कम है, कम मुड़ता है तो बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, है ना। जैसे अगर कहा जाए कि उगते हुए सूरज या डूबते हुए सूरज लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? उसका मेन कारण है कि श्वेत रंग, सूरज का श्वेत रंग जो है सात रंगों का मेल है, तो उसमें जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, वो कम मुड़ता है इसलिए वो बहुत दूर से दिखाई पड़ता है, है ना। इसलिए डूबता सूरज या उगता सूरज लाल होता है। इसी तरह रेलवे सिग्नल लाल रंग का ही क्यों दिया जाता है? उसका मेन कारण है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और वह सबसे कम मुड़ता है इसलिए बहुत दूर से दिखाई देता है। ड्राइवर को बहुत दूर से ही वो सिग्नल दिखाई पड़ देता है, पड़ जाता है और वो रोक देता है उसको धीरे धीरे स्पीड घटा करके, है ना। तो इस तरह से अब न्यूटन जो है एक प्रयोग किया कि वाकई सूरज का रंग सात रंगों का मेल है या प्रिज्म है ही रंग को बनाती है। तो वो क्या किया कि सभी एक पर्दा, काला पर्दा डाल दिया, ठीक है, काला पर्दा डाल दिया, ये सब रंगों को ढक दिया और सिर्फ लाल रंग को ही रहने दिया, और लाल रंग को एक इधर भी एक प्रिज्म लगा दिया उल्टा करके। तो ये जब पड़ा इस पर तो रंग नहीं बदला इसका, लाल का लाल ही रह गया, या पर्दा रख दिया जगह, है ना। इस तरह बारी बारी से सभी रंगों के साथ किया तो देखा कि लाल रंग भी दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद लाल ही रहता है, है ना। हरा रंग भी गुजरने के बाद दूसरे प्रिज्म के बाद वो हरा ही रहता है। तो इसका मतलब बारी बारी से सभी रंग को किया, दूसरे प्रिज्म से गुजरने दिया तो देखा कि रंग में कोई परिवर्तन नहीं, वही रंग रहता है। तब न्यूटन जो है श्योर हो गया कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है बल्कि श्वेत प्रकाश के, व्हाइट लाइट के, सूरज के व्हाइट लाइट के यानी श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को विभक्त कर देता है, बांट देता है, डिस्पर्स कर देता है। वो श्योर हो गया इस तरह से। अब वो चाहा कि अगर सात रंगों को अगर उसी अनुपात में मिला दिया जाए तो श्वेत रंग लगना चाहिए, तो वो एक डिस्क बनाया, न्यूटन का डिस्क। इस तरह से एक डिस्क बनाया, उसमें सातों रंग, बिब जियोर का जो सात रंग है, एक दो तीन चार, थोड़ा बड़ा करके देते हैं,
एक दो तीन, चार पाँच, सात रंगों में बांट दिया। विपजोर का जो कलर है वी आई बी जी वाई ओ आर। अब ये सात रंग से सातों पार्ट को पेंट कर दिया और उस चक्की को घुमाया। जब चक्की घूम रहा होता है तो व्हाइट कलर दिखाई पड़ता है, इससे वो और श्योर हो गया कि सूर्य का रंग सात रंगों का मेल है। श्वेत प्रकाश जो है सात रंगों का मेल है और ये सात रंग अलग से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, प्रिज्म रंग को उत्पन्न नहीं करती है बल्कि सातों रंगों को विभक्त कर देती है। प्रिज्म उसको डिस्पर्स करने का काम करता है, अलग अलग करने का काम करता है। इस तरह न्यूटन श्योर हो गया कि प्रिज्म जो है रंग उत्पन्न नहीं करती है बल्कि श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को विभक्त कर देती है। ठीक है, आज यहीं तक रखा जाए, अब अगले रोज नया चैप्टर के साथ। थैंक्स।